एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक डिलारी स्थित सुल्तानपुर दोस्त गांव पहुंची। वर्तमान समय में प्रधान रूपा रानी ने इस गांव की कमान संभाल रखी है। लगभग 6000 की जनसंख्या वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। वर्तमान प्रधान रूपा रानी ने इस गाँव में बेहतर विकास कार्य किए हैं। वर्तमान समय में रूपा रानी ने इस गाँव में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आने वाले आवासों का निर्माण भी करवाया है, साथ ही शौचालयों का निर्माण भी किया है, जिससे गांव को स्वच्छता का दर्जा दिया जा सके। गांव में सौर ऊर्जा प्लेटें भी लगवाई गई हैं, जिससे गांव को अंधेरे में ना रहना पड़े। इसी के साथ शमशान घाट का निर्माण व कब्रिस्तान का निर्माण भी प्रधान द्वारा किया गया है। वर्तमान समय में इस ग्राम पंचायत में लगभग 2400 वोटर दिखाई दिए, तो वहीं सभी तरीके के लाभों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बेहतर स्थिति में नजर आई। बात करें जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं की, तो वहां पर भी लगभग 250 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। प्रधान द्वारा गांव में कमियां पूरी करने के उद्देश्य से गांव में लगभग 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं अभी ग्रामीण जनता 20 और हैंडपंपों की मांग कर रही है। इसी के साथ लगभग 45 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। वर्तमान प्रधान ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द उनके गांव को विकास की पटरी पर वापस लेके आएं। वे उनके गांव में होने वाली समस्याओं को देखें और उनका जल्द से जल्द निस्तारण करवाएं। वहीं ग्रामीणों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही खराब है, जिसके लिए उन्होंने लिखित में केंद्र सरकार को बताया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधान को जल्द से जल्द पैसा मुहैया कराएं, जिससे गांव की इस खराब व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। और सरकार ने जो योजनाएं हमारे गांव में दी हैं, वो हमने सही प्रकार से उसका कार्य कराया है, और जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे यहाँ आएंगी, हम उनको सही प्रकार से उनका क्रियान्वयन करेंगे। मैं ग्राम सुल्तानपुर दोस्त का वासी हूँ। हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य कराया है गाँव में। सभी धर्म के लोग सब आपस में मिलजुल रहते हैं।